डियर स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। आज हम देखेंगे कि सी लैंग्वेज में इफ एल्स स्टेटमेंट कैसे वर्क करता है। इसका एक प्रोग्राम बनाकर भी समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम इफ एल्स स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है इफ एल्स स्टेटमेंट की डिफिनेशन। द इफ एल्स स्टेटमेंट इज यूज टू परफॉर्म टू ऑपरेशंस फॉर अ सिंगल कंडीशन। मतलब कि इफ एल्स स्टेटमेंट जो होता है वो एक सिंगल कंडीशन से दो तरह के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकती है। अभी तक जैसे कि हमने इफ स्टेटमेंट देखी थी, तो इफ स्टेटमेंट में केवल एक ही ऑपरेशन परफॉर्म होता था, वो भी ट्रू की कंडीशन होने पे, है ना। यहाँ पे आप दो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, एक ट्रू की कंडीशन में और एक फॉल्स की कंडीशन में। और ऐसा समझ सकते हैं कि ये इफ स्टेटमेंट ही है, लेकिन इफ का एक्सटेंशन है, ये एक्सटेंसिव फॉर्म है। द इफ एल्स स्टेटमेंट इज एन एक्सटेंशन ऑफ द इफ स्टेटमेंट यूजिंग विच वी कैन परफॉर्म टू डिफरेंट ऑपरेशंस, दैट इज वन इज फॉर द ट्रू कंडीशन एंड द अदर इज फॉर द फॉल्स। हियर वी मस्ट नोटिस that if and else block cannot executed in same time। जैसा कि मैंने अभी बताया कि if और else block यानी एक साथ में ही execute नहीं हो पाएंगे, या तो if execute होगा या तो else execute होगा। और ये कौन decide करेगा? if में दी गई condition यानी अगर if की condition true होती है, if में दी गई condition अगर true होती है तो if block execute होगा, अगर condition उसमें false होती है तो else block execute होगा। आप ये syntax भी देख सकते हैं, ये syntax आप देख सकते हैं। इसमें if में हम condition देंगे, यहाँ पर हम क्या देंगे, condition कोई भी condition दे देंगे, और जो condition देंगे वो execute, अगर वो true होगी तो ये if की body execute होगी यानी ये code execute होगा, और अगर ये दी गई condition false होती है तो ये else की body execute होगी। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम इफ एल्स स्टेटमेंट का फ्लो चार्ट देखेंगे। जैसा आपको यहाँ एक फ्लो चार्ट दिखाया गया है, फ्लो चार्ट इफ एल्स स्टेटमेंट को डिस्क्राइब कर रहा है। यहाँ पर कंडीशन दी गई है, इफ एल्स कंडीशन यहाँ पर दी गई है। इफ एल्स कंडीशन में अगर इस कंडीशन आपकी ट्रू होती है तो यहाँ पर इफ की बॉडी एग्जीक्यूट हो रही है, और अगर कंडीशन आपकी फॉल्स होती है तो एल्स की बॉडी एग्जीक्यूट हो रही है। इस फ्लो चार्ट में शो किया गया है। और बाद में इफ की बॉडी, या तो इफ की बॉडी एग्जीक्यूट होगी या तो एल्स की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। इसके बाद में प्रोग्राम की जो और अदर स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होंगी। मतलब इफ एल्स ब्लॉक में केवल एक ही बॉडी एग्जीक्यूट होगी, या तो इफ की या तो एल्स की। चलिए अब इस पर कुछ एक प्रोग्राम देख लेते हैं, वो कैसे हमें करने हैं। एक एग्जाम्पल प्रोग्राम अभी लेते हैं और उसको हम करके देख लेते हैं। चलिए अब इफ एल्स का प्रोग्राम करके हम देखते हैं। सबसे पहले हमने टर्बो सी ओपन कर लिया है और यहाँ पर न्यू करते हैं। न्यू करने के बाद में जैसा कि हम हर प्रोग्राम में करते हैं, सबसे पहले एक कमेंट लाइन लिख लेंगे और यहाँ पर अपने प्रोग्राम का नाम लिख लेंगे, राइट अ प्रोग्राम टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक ना। अब हम अपनी प्रोग्राम शुरू करते हैं। हैस इंक्लूड stdio.h हैस इंक्लूड conio.h। जैसा कि आप जानते हैं ये दोनों हेडर फाइल हमारे प्रोग्राम के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम इनके फंक्शंस को अपने प्रोग्राम में यूज़ करने जा रहे हैं। अब हम अपने यहाँ पर मेन फंक्शन को डिक्लेयर कर लेते हैं, वाइड मेन फंक्शन आपका डिक्लेयर हो गया। और इसके बाद में हम clrscr लगा लेते हैं ताकि हमारा आउटपुट स्क्रीन पर क्लियर स्क्रीन पर आए। अब अगला पार्ट आता है हमारा वेरिएबल डिक्लेरेशन। हम प्रोग्राम जो बनाने जा रहे हैं, इसमें कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, आपको इफ एल्स का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, इसमें
हम कोई एक नंबर इनपुट करेंगे और ये चेक करेंगे कि वो ऑड है या इवन है। भाई नंबर दो ही तरीके से हो सकते हैं, या तो वो ऑड होगा या इवन होगा, है ना। तो नंबर के लिए हम एक वेरिएबल लेंगे इंट एन ले लिया, है ना। और अब हम यूज़र से एन के लिए इनपुट ले लेंगे। इनपुट लेने के लिए हम यूज़र को मैसेज देंगे प्रिंट एफ एंटर एनी नंबर, बैक स्लैश एन कर लेंगे, स्केप सीक्वेंस यूज कर लेंगे, न्यू लाइन के लिए सेमी कॉलन एंड हिट एंटर की, देन स्कैन एफ परसेंट डी, फॉर्मेट स्पेसिफायर है जैसा कि आप जानते हैं, परसेंट डी इंटीजर के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर है। हमें इंटीजर नंबर इनपुट करना है तो हमें फॉर्मेट को स्पेसिफाई करना पड़ेगा एन के लिए। परसेंट डी मैंने लिखा इनवर्टेड कॉमा में, डबल कोट्स में कॉमा लगाया। अब हम वो वेरिएबल नेम देंगे जिसमें हमें इसका इनपुट लेना है, तो एड्रेस ऑफ ऑपरेटर्स के बाद में हम वेरिएबल नेम देंगे, जैसे कि हमने दे दिया एन और सेमीकोलन। अब यहीं से हमारा मेन प्रोग्राम शुरू होता है। हमको यहाँ पर इफ कंडीशन देनी है, इफ कंडीशन देंगे इफ एन डिवाइडेड बाई टू इक्वल टू ज़ीरो। अगर एन जो है, यहाँ पर रिमाइंडर का साइन लगाया है, रिमाइंडर का साइन लगाया है जो रिमाइंडर को कैलकुलेट करेगा। अगर एन को टू से डिवाइड किया जाए और उसका रिमाइंडर ज़ीरो आए तो इट मीन्स वो कौन सा नंबर हुआ, वो आपका इवन नंबर है। प्रिंट एफ इवन नंबर, इवन नंबर स्लैश एन। और अगर वो डिवाइड नहीं होता है तब क्या हो, मतलब कि जीरो के अलावा कोई रिमाइंडर आता है, इट मीन्स वो आपका ऑड नंबर है। तो यहाँ पर हम कंडीशन नहीं देंगे, अब क्यों एल्स से हमारा काम चल जाएगा। एल्स प्रिंट एफ, प्रिंट एफ, प्रिंट एफ ऑड नंबर, ऑड नंबर। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, हमने कंडीशन केवल इफ स्टेटमेंट में दी, इफ स्टेटमेंट के केवल कंडीशन दी। अगर इफ स्टेटमेंट की कंडीशन ट्रू हो जाती है, मतलब कोई नंबर है और वो टू से डिवाइड होता है और रिमाइंडर ज़ीरो आता है तो कंडीशन ट्रू है, तो मतलब वो क्या हो जाएगा, इवन नंबर। और अगर ज़ीरो के अलावा कुछ आता है तो ऑटोमेटिक ये इफ वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ना होके एल्स वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, मतलब यहाँ पर लिखकर आएगा ऑड नंबर। बस हो गया प्रोग्राम। अब यहाँ पर आप गेट सी एच कर दें और टर्मिनेट कर दें। इसको रन कराने के लिए हम क्या करेंगे, ऑल्ट और F9 यूज़ करेंगे। सॉरी, कंपाइल कराने के लिए सबसे पहले कंपाइल करेंगे, देखेंगे कोई एरर तो नहीं रहेगी प्रोग्राम में, गलती से छूट गई हो तो ऑल्ट और F9 करेंगे। कोई एरर नहीं, जीरो एरर एंड जीरो वार्निंग। अब इसको हम रन कराएंगे, रन कराने के लिए कंट्रोल F9, कंट्रोल और F9 की को एक साथ में प्रेस करेंगे, आपका रन हो जाएगा। एंटर एनी नंबर, हमने यहाँ पर 8 एंटर किया, ये जैसा कि हम जानते हैं इवन नंबर है, अगर प्रोग्राम इसको इवन नंबर बताता है तो हमारा प्रोग्राम करेक्ट है। एंटर करेंगे इवन नंबर, ये तो कंडीशन सही आ गई। अब हम एक ऑड नंबर एंटर करके देखेंगे, प्रोग्राम को दोबारा रन कराएंगे। हमने यहाँ 7 डाला, 7 ऑड नंबर है, ऑड नंबर मतलब आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पर कोई एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है, या तो इफ वाली या एल्स वाली। आई होप आपको इफ एल्स स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा। आज का प्रोग्राम यहीं पर ख़त्म करते हैं।